नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हाल ही में जांच एजेंसियों ने पाकिस्तानी एजेंट की गिरफ्तारी की थी, जो भारत की जानकारी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों तक पहुंचाता था। ऐसे में प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट पर है। इस बीच उस समय हड़कंप मच गया जब कानपुर में वाईफाई नेटवर्क पर पाकिस्तान जिंदाबाद नाम लिखकर आने लगा। दरअसल मामला कानपुर के नजीराबाद सर्किल का है। यहाँ वाईफाई नेटवर्क पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लिखा मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस उस शख्स की तलाश में है जिसके वाईफाई नेटवर्क पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लिखा है। वहीं पुलिस विभाग इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। बताया गया कि पुलिस को बुधवार देर रात नजीराबाद थाना क्षेत्र के कबाड़ी मार्केट से एक व्यक्ति का फोन आया। घबराई हालत में उसने बताया कि जब वह ऑफिस से लौटकर घर में लगे वाईफाई को कनेक्ट कर रहा था तो उसके मोबाइल पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम का नेटवर्क दिखने लगा। पुलिस भी सूचना मिलने पर हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर नेटवर्क का नाम बदला। हालांकि ऐसा किसने किया इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। वहीं मामले में स्थानीय निवासियों का कहना है कि पाकिस्तानी हैकर्स ने वाईफाई हैक किया है। मामले की जांच साइबर सेल से कराई जा रही है। आरोपी की तलाश जारी है। उसकी जल्द गिरफ्तारी की बात कही जा रही है।